दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं 3000 साल पुराने गांव में जो महाभारत काल का है। हर युग की टाइम पीरियड दिया हुआ है कौन सा। आज का वो दिन आ गया भाई जब गांव में जाना पड़ रहा है हमने, तो काफी दिनों से दो तीन दिन हो लिया हमने बोलते बोलते गांव में चलेंगे, गांव में लेकर चलूंगा येन्नू को, तो आज वो टाइम आ गया है तो येन्नू को लेकर चलते हैं आज। और येन्नू अपने न्यू कपड़े जो कल लेके आया था सोनीपत से, तो वो कपड़े पहन के चलेगा और खाटू श्याम भगवान के इसको दर्शन कराते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं गाँव में, तो फिर रेडी होते हैं बिना किसी कोई देरी के, तो चल जा नाले पानी गर्म है ठीक है ना। तो मैं भी तैयार होता हूँ भाई, 10 बजे निकलना है यहाँ से ताकि कोई लेट ना हो सके, हम तो निकलते हैं फिर। तो रेडी हो लिए हैं, अब करते हैं पेट पूजा। आज तो आलू मटर नहीं है, ये तो ये छोले हैं, आलू और छोले की सब्जी है, रोटी है, बच्चों की उस तरह सब्जी बनानी पड़ेगी। खाना खा के न पेट पूजा करके ना निकलते हैं फिर गाँव की ओर। फाइनली हम तैयार हो चुके हैं भाई, तो बाइक की राइडिंग करेंगे आज। तो मैं येन्नू और चांद हो चुका था प्रीत भी, तो हम तीनों जने जाएंगे। तीन ही है ये, तीसरा बंदा तो ये मान लो प्रीत है, ये येन्नू तो एक ही जैसे हैं, तो तीन बंदों के समान हो जाएंगे हम। आज तो मामा घोस्ट राइडर बनेंगे। नहीं घोस्ट राइडर तो नहीं है। तो भाई निकलते हैं, काफी लेट हो गए हैं, 11 बज चुके हैं, निकलते हैं। पहुंच गए भाई हम गांव से, बस 10 ही किलोमीटर दूर रह गए हैं। मैं चांद और येन्नू ही आए हैं, प्रीत को वहीं छोड़ दिया क्योंकि तीन ही जने बाइक पर कम्फर्ट थे, तो हमने यहाँ नहर के पास ही रोक गया अपने। ये देखो दोनों नहरों में फुल पानी आया हुआ है, एक ये नहर इधर है, एक सड़क के उधर है, दोनों तरफ। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोनों सेम जैसी है, एक जैसी ही। ये नहर दिल्ली की तरफ जाती है। येन्नू के बैठे बैठे मोटरसाइकिल पर कुल्ले दुखने लग गए थे, वो इधर ऐसे ऐसे कर रहा था सीट पे, तो सीट पे जैसे रगड़ ही रहा था अपने कुल्लों को, तो दुखी हो गया था क्योंकि इसकी आदत नहीं है ना, काफ़ी दिनों बाद ये चले आए, यहाँ से रेस्ट दिया है थोड़ा सा, तो अब ये कंफर्ट हो जाएगा थोड़ा, एक दो मिनट में फिर चलते हैं, 10 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। तो कैसा लग रहा है? ये पत्थर देखो सही है, ये पत्थर घर पे लेकर जाएगा। येन्नू बोल रहा है ये पानी गंदा है क्या, इसको ये नहीं पता कि यही पानी दिल्ली में जाता है और यही पानी पीता है, ये यही पानी जाता है दिल्ली, फिर इसी को पीते हो आप, घटिया नहीं है ये फर्टिल हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, ये फिल्टर होता है ये, तब पीते हो आप। नहीं गुहाड़ में तो नीचे से आता है। येन्नू ये बोल रहा है अगर ये यहाँ से डुबके लगाता है इसमें तैर के जाता तो ये सीधा अपने वहाँ पहुँच जाएगा बदली गेट नंबर 4 पे, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं, सीधा मतलब फिटनेस तेरी जबरदस्त हो जाए, 6 पैक तक तो 8 पैक निकल जाएंगे तेरे वहाँ तक। जब पत्थर को छूने जा रहा है येन्नू हमारा, भारी है ये, देखो राम का नाम लेके बगा के देखिए तैरेगा, देखते हैं भाई येन्नू पत्थर भगाने वाला है, राम का नाम लेना मन से लेना तो ही तैरेगा ये। क्यों यहाँ तक नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा, छोटे वाला भगा ले छोटे वाला, अरे छोटे वाला क्यों, चल ठीक है फिर दिखेगा नहीं ना, मैं नहीं दिखेगा ये, चल भाई ना भाई, इसने अच्छे मन से नाम नहीं लिया था राम का, वो डूब ही गया, ये दिल से काला है, इसका दिल अंदर से काला है, ये ब्लैक आर्ट है इसके पास। चलो अब की बार राम का नाम लेके भगा, सच्चे मन से नाम लेके भगाना ताकि ये तैरे, चल ठीक है भगा ना भाई, ये भी डूब गया, असल में तो दूर तक तो पहुंचा ही नहीं ये, येन्नू तो दिल का काला है, ब्लैक आर्ट है येन्नू के पास। भारी है मामा देखो, फ्लोटिंग नहीं कर सकता ये, बहुत ज्यादा भारी है। अरे फिर राम का नाम लेने से तो हल्का हो जाएगा, का नाम लेके भगाऊंगा ये, डूबेगा पक्का डूबेगा देख लेना। जय श्री राम। मेरा भी डूबा था ठीक है, मेरा भी डूबा था ज्यादा मत, तेरे पास तो ब्लैक आर्ट है मेरे पास। तो भाई चलते हैं अब, आगे का सफर जारी करते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं 3000 साल पुराने गांव में जो महाभारत काल का है। तो भाई देखो जहां पर शीश का दान दिया था खाटू श्याम भगवान ने श्री कृष्ण भगवान को,
मंदिर की स्थापना भी हुई है फिलहाल। हालांकि मैं प्राचीन मंदिर दिखाऊंगा जो करीबन बहुत साल पुराना है, 3000 साल पुराना, महाभारत काल के टाइम का, खाटू श्याम भगवान का। लेकिन पहले मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा और फिर लास्ट में सबसे पुरानी प्रतिमा दिखाऊंगा यहाँ के मंदिर की। पीछे क्यों रह रहे, आ जाओ आगे। श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है भाई हमारे मंदिर में। अब मैं आपको पुरानी प्रतिमा दिखाऊंगा जो सबसे पुरानी है। अब चलते हैं पास ही में, इसके नीचे ये बड़ा मंदिर है जिसमें पुरानी प्रतिमा है। पूछ रहा भाई ये मंदिर कितना साल पुराना है, तो ये मंदिर करीबन 3000 साल पुराना है, क्योंकि यहीं पर खाटू श्याम भगवान ने कुरुक्षेत्र जाते वक्त श्री कृष्ण भगवान को शीश का दान दिया था। मंदिर के पास में ही ये देखो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हर युग की टाइम पीरियड दिया हुआ है, कौन सा युग कितने समय के लिए था। और ये जो मेरे पीछे मंदिर है भाई, ये सबसे पुराना मंदिर है और यहीं पर शीश का दान दिया था खाटू श्याम भगवान ने कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान को। और उसका ये देखो, ये देख प्राचीन श्री श्याम मंदिर आउलाना धाम, अभी नया मंदिर बनाया है इसका, ये वाला ऊपर वाला नया न्यू मंदिर है, लेकिन जो सबसे पुराना है, जो काफ़ी पुराना है, वो ये वाला सफ़ेद वाला। और यहीं पास में ये कुंड है जो जिसका अभी निर्माण हो रहा है दोबारा फिर से। जब मैं बचपन, पता ये मेरा ही गांव है, और मैं जब बचपन में था तो यहाँ फूल उगते थे कमल के, लेकिन वो वहाँ उगते हैं अभी इसका पुनर्निर्माण होने लग रहा है, वो हमारा बाबा भोले का मंदिर है। चलते हैं भाई चुलकाना, जो यहाँ से मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ भी दर्शन करा के लाता हूँ इन्नू को, वहाँ के दर्शन कराता हूँ आपको। चलते हैं फिर। भाई चुलकाने धाम में भी और यहाँ के भी दर्शन कराते हैं हम आपको खाटू श्याम भगवान के। तो यहाँ से करते हैं भाई एंट्री और करते हैं खाटू श्याम भगवान के चुलकाना धाम में भी दर्शन। यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधा कर दी, ग्रिल वगैरह लगा दी लाइन की। ये राधा कृष्ण की प्रतिमा। उदास हो गया चंदे मंदिर में आते नहीं। कोई बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर, बहुत अच्छे दर्शन हो गए यहाँ से। अब निकलते हैं घर की तरफ, तो करीबन हमने 1.25 घंटा हो लिया और 1.25 घंटे में हमने दोनों मंदिर कवर कर दिए हैं। अब चलते हैं बाइक से फिर वापस अपने घर की तरफ, चले चल। अरे वो कुछ देख लेते हैं और क्या देखेगा तू, तेरे को वहाँ दिखा दूंगा। होती है ना नहर, एक दिल्ली की तरफ, एक अपने गुवाहाटी की तरफ आती है, वो वाली नहर दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलते हैं भाई अब घर की तरफ। ओवरलोड होने के कारण ट्रक देखो पलट गया, अब हमें साइड से जाना पड़ेगा, से ले जानी पड़ेगी हमें अपनी बाइक। ये देखो मैं मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक दिया, अब देखते हैं इसमें कितनी सारी मछली आएंगी। खाली है, इन्हों को दिखा दिया भाई कहाँ से, यहाँ से दिल्ली की तरफ कौन सी नहर जाती है, देख रहे पता चल गया ना, वो परले वाली नहर जो दिल्ली की तरफ जाती है, रोहतक भिवानी अपना यहाँ सोनीपत की एरिया में जाती है, वो जद्दर की एरिया में। अच्छा, तो भाई हाँ मैं यहाँ से तैर के आता हूँ। अरे रहने दे, तू यहाँ से तैर के क्या आएगा, जब तू यहाँ ही है, तू यहाँ से तैर के घर की तरफ जा सकता है, तैर के नहीं आ सकता यहाँ, यहाँ पर तो पहले से ही है। तो अब चलते हैं भाई घर की तरफ है और निकलते हैं, काफी लेट हो गया है, चांद ने भी अपनी महसा का गाया का न्यार करना है। चलो भाई चांद चलते हैं भाई। Thank you.
पहुंच गए भाई फाइनल घर पे। गेट बंद कर दे। दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, मंदिर के दर्शन करके आ गए और हम अपने गांव से और आगे चुलकाना धाम में भी, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। वो घूमने के बाद लग चुकी है भूख, अब बनाता हूँ जिन्नू के लिए मैगी, एक ही पीस रह गया है अभी तो। मैगी रख दी है भाई, बिल्कुल ही सिंपल मैगी है और लेकिन बनेगी ये टेस्टी। हम मिक्स कर देते हैं पानी को और इसको रख देते हैं कुछ 5 मिनट के लिए ऐसे ही। थोड़ी सी कल, अरे पैसे पड़े मेरे पास ही आते हैं। ला दे अब देखो भाई कितना लालची है, खुद के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं दे रहा हमसे। ये प्रीत ने मेरे को दे दिया 100 रुपीज। कोई काम नहीं है, तेरी तो नीति खराब है। तो मैगी बन चुकी है भाई ये नूरप्रीत की, गाल तो तुम अपने आप लोगे, डाल के खा लो भाई। आज ये से किया है बात अभी कंप्लीट कर दिया है, 3 दिन से गांव ले जाने की बोल रहा था, तो आज ये को गांव में खटूश्याम भगवान के दर्शन करवा दिए हैं। वहीं पर से जुका दान दिया था खटूश्याम भगवान ने। हाँ, तो छत पाए हुए थे भाई। मेरी माँ मेरे को, मेरी मन्ना अपनी वीडियो नहीं देखने दी, तो मेरी माँ रोज गया बोल रही है रोटी खुद बनाओ। तेरे फोन में देखो, मेरे फोन पकाने की बात चल रही है। ऐसा कर खाना बना ले, तेरी नानी रूस गई है, कल तो मैंने बना लिया था एक रोटी, मैं तेरी बनाते तेरी नानी आ गई थी, आज तेरे को बनानी है रोटी। मेरी रोटी खा लोगे ना मर जाओगे। कोई नहीं, माज मरना इस पसंद करूंगा, चल आ जा। ये देखो बाबू खड़ा मारे घर में एंट्री कर गया, चिप्स चुरा कर खाने लग गया। दोनों ने प्रीत नरियनू ने दोनों ने तीनों पैकेट आज खत्म कर दिए। कती ये आ गया, तीनों चिप्स के पैकेट खाने वाला, पीछे से चुरा के खाने वाला ये बंदा है जो नवरात्रों में खाता हमारा सारा है। प्रीत का काम है, प्रीत के साथ आप भी हो ठीक है। प्रीत लेके जा रही है और ये प्रीत इसको ये गेम खेलने में बिजी है और प्रीत इसके माउथ में देने लग रही है, ये गेम खेल रहा है। अच्छा वो, हाँ तब तो हाँ। देख तो फाइनली मेरी माँ मान चुकी है, रोटी बनाने लगी है, बड़ी मुशक्कत से मनाई है यन्नू ने, मेरी तो मना मेरे से तो मना कर दिया, मेरे हाथ की रोटी नहीं खानी, तो मेरे लिए तो यन्नू ही बनाएगा। जाओ आपको भूख मारेंगे आज। अच्छा, इतनी बड़ी गलती कर दी। अभी मार्केट में गए थे, वो मैंने सील में क्या है ये आइसक्रीम, कौन वाली आइसक्रीम। हाँ जी, दोनों की मौज हो रही है कती। थैंक यू, दोनों को दिल भरा थैंक यू, आके पप्पी की दूंगा दो दो ठीक है ना। नो भाई एक एक बाइट दिए दोनों अपनी आइसक्रीम में से, कौन वाली में से, बहुत स्वादिष्ट थी और स्वादिष्ट होगी थी जब इन्होंने अपनी नीयत से दे दी, मैंने मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो भाई ब्लॉग का एडिटिंग करने का टाइम आ चुका है और करते हैं ब्लॉग का एडिटिंग। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम दोनों को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट करने पर हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो अगर कुछ भी मिस्टेक लगे तो सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। तो करते हैं इसका गुड नाइट व्लॉग, तो बाय। बाय।